आप सब जैसा कि आपने देखा कि डाइस में हमारा टाइप फोर हो चुका था, ओपन डाइस हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम दो टाइप पढ़ेंगे जो आपका लास्ट लेक्चर होगा डाइस का। इसमें क्या है कि आपका पहला टाइप पढ़ेंगे जिसमें सिंगल टाइप का दिया रहता है, सिंगल डाइस, और हमारा एक लैंग्वेज बेस्ड जो हमने टाइप फाइव बताया था लैंग्वेज बेस्ड वो हमारा होगा। तो पहला टाइप हम पढ़ लेते हैं। पहला टाइप जैसे मैंने आपको लिस्ट बनवाया था पाँच टाइप के होते हैं, पाँच टाइप में हमने दूसरा टाइप देखा था टू कॉमन ट्रिक वाला जिसमें से तीन सब टाइप होते थे। पहला टाइप आज देखते हैं जो टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सिंगल डाइस यानी एक पासा दिया रहता है, सिंगल डाइस दिया रहता है एक पासा। इसमें से आपको बताना है, देखिए पासे का मैं बार बार बोलूंगा एक ही मकसद होता है, विपरीत संख्याओं को ज्ञात करना, ऑपोजिट नंबर को निकालना। जैसे मान लीजिए ये पासा है, पासे में संख्या दिया है दो तीन और छः, दो तीन और छः, ये हमारा पासा का सिर्फ एक स्थिति है, बस एक डाइस है, आपको दो तीन स्थिति बिल्कुल नहीं दी है, बस एक ही स्थिति दी है। और आपको पूछा जाए कि भैया आप बताइए कि दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी, या आपसे पूछ ले तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी, या आपसे पूछ ले छः के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक। या फिर आपको ज़रूरी नहीं है, एक बात आप ध्यान रखना, इसको नोट करके चलना, जरूरी नहीं है कि जो संख्या यहाँ दिख रही हो उसी का आपको विपरीत पूछे। लेकिन पासे में हमारा क्या होता है, एक से लेकर दो तीन चार पाँच छः, छः संख्याएं होती हैं, छः सतह की छः संख्याएं होती हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसमें से हमने देखा दो तीन छः, दो तीन और छः तो हमें दिखाई दे रहा है, एक चार पाँच नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, एक के विपरीत बताइए, चार के विपरीत बताइए, पाँच के विपरीत बताइए। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक। तो कैसे निकालते हैं आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत सरल तरीके से बताऊँगा, बहुत इजी वे में बताऊँगा कि बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे मैंने बताया था इसमें आप देखेंगे कि कौन सी संख्या छिपी हुई है, दो का विपरीत चार पाँच और एक भी हो सकता है। दो का विपरीत या तो चार हो सकता है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट चार ही होगा, या तो पाँच हो सकता है या तो एक हो सकता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे तो दो का विपरीत या तो चार पाँच या एक हो सकता है, तीन का देखेंगे या तो तीन का क्या हो सकता है हमारा पाँच, सॉरी बस कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, पाँच लिखिए, चार लिखिए, एक लिखिए, इन ये तीन पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। इसमें कौन सा केस हमारा होता है, पॉसिबिलिटी का, अनुमान का, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है मतलब संभव असंभव, मतलब ये संभावना बनती है हमारी, पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक। अब हमारा छः का पूछेगा तो छः के विपरीत पाँच भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक, क्लियर है। आपने देखा, अब आपने देखा, आपको मैं एक तरीके से और लिख दूँ, दो तीन या छः का विपरीत हमारा चार पाँच एक हो सकता है। अब हमने ऐसे तो देख लिया, ये वाला जो केस मैंने बताया आपको, ये हमने इन तीनों संख्या के तरफ से देख लिया कि इनका विपरीत कोई नंबर भी हो सकता है, दो का ये तीनों नंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, छः का इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम देखेंगे, अब हमने इधर से तो देख लिया, अब इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में एक चार या पाँच पूछ दे, तो अगर हम इधर से देखें तो कौन सी संख्या कॉमन होगी, चार का विपरीत ये तीनों संख्या हो सकती हैं, चार के विपरीत हमारा दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, पाँच का भी विपरीत हमारा दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, एक का विपरीत हमारा क्या हो सकता है, एक का विपरीत दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, छः भी हो सकता है। समझ में आया, समझ में आया सबको, क्लियर है, ऑल क्लियर है सबको। अब देखिए आपका ऑप्शन कैसे देगा, इस हिसाब से आपको एलिमिनेट करना है। मान लीजिए ऑप्शन में आपका क्वेश्चन क्या है, चार का विपरीत बताइए, चार के विपरीत हमें बताइए। तो चार के विपरीत में जैसे मान लीजिए ऑप्शन एक दो तीन चार, चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में दे दिया दो, छः दे दिया, पाँच दे दिया और एक दे दिया, ठीक। आपने देखा कि चार का जो पॉसिबल केस बन रहा था दो हो सकता है या फिर तीन हो सकता है या फिर छः हो सकता है। तो आपको क्या करना है, तो दो तो हमें दिख रहा है, ये तीनों नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉसिबल कंडीशन में, पॉसिबल में, पॉसिबिलिटी में, संभावना में, ये तीनों तो आ नहीं रहे, छः भी आ रहा है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे छः नहीं लेंगे, कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैंने लिया चार के विपरीत, चार के विपरीत यहाँ पे मैं कौन सा संख्या ले सकता हूँ कि थोड़ा सा मैचिंग अच्छा सा बैठे, यहाँ पे मैं मान लीजिए इसको ले लूँ, यहाँ पे मैंने एक तो ले लिया है,
दो तीन छः, दो भी हो चुका है, पाँच भी हो चुका है। यहाँ पे मैं, चलिए एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको और अच्छे से बना दो, पाँच हो गया, ये एक हो गया, और यहाँ पे लिख दूंगा नन ऑफ दीज। अब पांचवा हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। इसका मतलब क्या है कि हम बता नहीं सकते, इसका मतलब क्या है कि दिए हुए ऑप्शन में से कोई नहीं है। इन दोनों का फर्क ये हो गया। अब आपको चार के विपरीत अगर पूछ रहा है तो चार के विपरीत हमें देखना, देखा गया कि ये तीन पॉसिबल संख्याएं हैं, ये तीन संभावित संख्याएं हैं, तो दो हो सकता है, पाँच हो सकता है, एक हो सकता है, ठीक। तो हम देखेंगे पाँच और एक तो इनमें आ ही नहीं रहा है, इनमें कौन सा में मैच हो रहा है, सिर्फ दो मैच हो रहा है, एक हमारा मजबूरी हो गया इसको टिक करना, ठीक। एक हमारा नन ऑफ दीज क्यों नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज मतलब होता है इन ऑप्शन में से कोई नहीं, लेकिन इन ऑप्शन में से एक संख्या तो मिल सकती है, दो हो सकता है, पॉसिबल में है, ठीक। कैन नॉट डिटरमाइन क्यों नहीं होगा, ये तो कट गया, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि बता नहीं सकते। अरे हम बता तो सकते हैं ना कि दो आ रहा है, एक संख्या दो पॉसिबल कंडीशन में आ रही है, तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन का चयन करना है, ठीक, इस ऑप्शन में चयन करना है, ठीक। मान लीजिए अगर ऐसा ऑप्शन, अगर अलग से एक और ऑप्शन आ जाए, चार के विपरीत ही अगर पूछा हो, चार के विपरीत ही पूछा हो, दो भी आ जाए, तीन भी आ जाए, छह भी आ जाए, और एक दिया हो नन ऑफ दीज, एक दिया हो कैन नॉट डिटरमाइन मतलब बता नहीं सकते, एक का हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब यह है ये पूरे ऑप्शन में से कोई नहीं, लेकिन पूरे ऑप्शन में से तो भैया तीनों मिल रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग भले हैं लेकिन मिल तो रहा है, इस हिसाब से ये गलत हो गया। किसी एक पे टिक तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं है, दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग आएंगे, तो कैन नॉट डिटरमाइन मतलब बता नहीं सकते, हमें पता है कि ये तीनों संख्याएं हो सकती हैं, कोई ना कोई होगा, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सा होगा, तो कैन नॉट डिटरमाइन पे टिक मार देंगे। ये आपका हो गया टाइप वन, कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आ देता हूं मैं, रुक जाइए। एक चीज मान लीजिए आपको ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए इसमें दिया है, आपको पता है कि स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज यानी जो मानक पासा है, जो मानक पासा है उसमें एक के विपरीत छह रहता है, दो के विपरीत पांच रहता है, तीन के विपरीत चार रहता है, क्योंकि इनका योग सात आता है, इनका योग क्या आता है, सात आता है, इनका योग सात आता है, ठीक, क्लियर है, इनका योग सात आता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, आपको जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, आपको संख्या दे रखी है इसमें, और साधारण पासे में, साधारण पासा यानी जनरल डाइस, यानी जनरल डाइस, जनरल डाइस में कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता मतलब कोई भी संख्या किसी के विपरीत आ जाएगी, कहने का मतलब साफ साफ इसका ये है, ठीक। इसमें हमारा क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक, क्लियर है। आइए अब देखते हैं, मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया है एक छः और पाँच, एक छः पाँच दिया है, और आपसे प्रश्न कर दे, क्वेश्चन कर दे, यह कौन सा पासा है, सिंगल, पहला टाइप ही बता रहा हूँ, सिंगल टाइप, ये मान लीजिए इसमें दे दे कि कौन सा पासा है, तो आप अभी इसको ध्यान में रखते हुए बोलेंगे एक और छः विपरीत होता है जिनका योग सात होता है, लेकिन एक और छः पास में ही है, तो ये कभी मानक पासा स्टैंडर्डाइज नहीं बन सकता, तो यह कौन सा पासा है, यह साधारण पासा है। अगर मानक पासा रहता तो छः और एक एक साथ नहीं आता, छः और एक अपोजिट हो जाता, ठीक, कोई एक संख्या छिप जाती, तो यह कौन सा पासा है हमारा, यह हमारा साधारण पासा है, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन लेते हैं, एक और कंडीशन हम अपनी लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिसाइड करेंगे, ठीक। इसमें हमारा डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया हो आपका, दो दिया हो, एक दिया हो, तीन दिया हो, अब पूछ दे यह कौन सा पासा है, पूछ दे अब यह कौन सा पासा है, तो बताइए कौन सा पासा है। तो आपने देखा कि यह संख्या एक दो तीन, एक दो तीन के आपस में विपरीत नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये साधारण पासा हुआ, इस हिसाब से तो ये साधारण पासा हुआ, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, एक के विपरीत छः आए हमें दिख तो रहा नहीं है, एक के विपरीत हमारा क्या आ सकता है, कौन सी संख्याएं छिपी हुई हैं, हमारी छिपी हुई संख्याएं
चार, पांच और छह। तो एक के विपरीत हमारा चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। दो के विपरीत हमारा नीचे की सतह में चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तीन के विपरीत इस साइड चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो ये जो हमारा पॉसिबल का केस बना, संभावना जिसको बोलते हैं, संभावना है। एकदम बेसिक तरीके से बाइलिंगुअल में समझा रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करूंगा कि बिना विदाउट पिकिंग पेन और पेपर आप धड़ल्ले से निकाल लेंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं झटके में, आप कंफर्म बता सकते हैं कि यह साधारण पासा नहीं है, सॉरी आप कंफर्म बता सकते हैं कि यह मानक पासा नहीं है, जो इसके पहले अभी जस्ट क्वेश्चन बताया ये सब चीजें डेटा देखकर। लेकिन आप अपने लाइफ में क्वेश्चन कभी भी देखकर सिंगल पासे में कभी डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ अगर पासा देकर पूछ दे कि कौन सा पासा है, आप कभी नहीं डिसाइड कर सकते कि यह कौन सा पासा है। वह पासा साधारण हो सकता है, मानक कभी नहीं होगा। मानक क्यों कभी नहीं होगा? क्योंकि हमारा ये पॉसिबल कंडीशन बन रहा है, ये हमारा पॉसिबल कंडीशन बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसमें हमने देखा तो कौन सा पासा है यह, तो ऑप्शन यह साधारण भी हो सकता है और साधारण और मानक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक, साधारण पासा का अनुमान लगा सकते हैं, मानक पासा का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक के पीछे छह होता है, एक का विपरीत छह होता है मानक पासा में, दो का विपरीत पांच होता है, तीन का चार होता है, तो हमें दिख तो नहीं रहा तो बता नहीं सकते कौन सा किसके विपरीत होगा। तो हमारा या तो साधारण या मानक हो सकता है। ठीक है, चलिए वो कैसे उसको सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। टाइप फाइव लास्ट टाइप है, लास्ट लेक्चर है आज डाइस का। अगर पूछ दे कि मानक पासे में तीन के विपरीत संख्या क्या होगी, व्हाट इज द ऑपोजिट नंबर विच नंबर इज अपोजिट टू थ्री, विच नंबर इज अपोजिट टू थ्री। मानक पासा में विच नंबर इज अपोजिट टू थ्री इन स्टैंडर्ड डाइस। अब कंप्लीट है, ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। बाइलैंग्वेज के बारे में बताऊं तो इसमें आप देखेंगे मानक पासा के बारे में पूछा, हिंदी में पूछा है मानक पासे में तीन के विपरीत संख्या क्या होगी, विच नंबर इज अपोजिट टू थ्री इन स्टैंडर्ड डाइस। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस का पता है, एक के विपरीत छह होता है, दो के विपरीत पांच होता है, तीन के विपरीत हमारा क्या होता है, तीन के विपरीत चार होता है। ठीक, क्लियर। आपको अगर ये संख्या थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि किसके विपरीत क्या है, तो आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। एक दो तीन लिख दिया, अब एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे उल्टा चार पाँच छः लिख दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः नीचे से कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ये संख्या जो होगी एक दूसरे के विपरीत होगी और ये मानक पासे को दर्शाएगी। तो इसमें मानक पासे में हमने देखा जो कि फिक्स रहता है तीन और चार, तीन का विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फट से चार आ जाएगा। ठीक है, फट से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए नोट करिए। ऐसे ही आपको पूछ दे, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है बस नंबर चेंज कर दे, एक के विपरीत क्या है, तो आप बताओ आपको मानक पासा पता है छह होगा। अगर यही चीज आपको साधारण दिया रहता तो आप क्या लिखते, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी सी एन डी, जो सी एन डी वाला ऑप्शन है 100% दिया रहेगा, वो लगा देंगे आप। ठीक, भी थोड़ा सा ही है क्वेश्चन दूसरा, यदि सम्मुख सतहों यदि सम्मुख सतहों
कि बिंदुओं का अंतर 3 है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन ए, आठ दस बारह, आठ आठ दस, सात नौ, ग्यारह, चार पाँच छः, ठीक। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, यदि सम्मुख सतह के, इसमें क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं कि मतलब जो सम्मुख है, जो हमारे सामने तो ये है ना, ये तो थोड़े तिरछे में दिया हुआ है, तो हमारे ठीक सामने ये है, ये वाला है हमारा ठीक सामने जो सतह है, सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर, ठीक। इसका सम्मुख क्या होगा, 8 का हमें नहीं पता, इसका हमें नहीं पता, तो इसमें आपको एक चीज कंसिडर करके चलना है, स्टैंडर्डाइज। एक का होता है 6, दो का होता है 5, तीन का होता है चार, ठीक। ये हमारा है स्टैंडर्डाइज, ठीक। इसको हमने ऐसे लिख लिया, इससे हमें कुछ लेना देना है कि नहीं अभी पता चल जाएगा, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें सम्मुख सतह में कितना होता है हमारा, हम देखते हैं। आइए इसमें ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, हमने क्या देखा, डाइस में कुल कितनी सतह होती है, 3, 4, 5, 6 सतह भी 6 होती है, और डॉट कितने होते हैं, 1 डॉट ये हो गया, 2 हो गया, 3 डॉट ये हो गया, 4 डॉट हुआ, 5 डॉट हुआ, 1 से लेकर 6 सतह होती है, 1 से लेकर 6 डॉट होते हैं, तो अंतर उनका क्या पूछा है, उनका अंतर 3 पूछा है। तो अरे भाई, डाइस में कभी 10 आ सकता है क्या, 8 आ सकता है क्या, 10 आ सकता है क्या, 12 आ सकता है क्या, नहीं, 8 नहीं आ सकता, 10 भी नहीं आ सकता, 6 तक ही आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता है, ये आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। कब सही हो जाएगा, कब अंतर, अब ये तो सही हो जाएगा सर, आपने बता दिया, लेकिन अंतर वाला सर समझ नहीं आया, अंतर वाला नहीं समझ में आया, तो देखिए कैसे समझ में आएगा अंतर वाला। अंतर वाले में क्या है कि सम्मुख सतह का अंतर, यानी इसके अगर विपरीत 4 हो, 4 के विपरीत अगर 1 हो, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ये वाला तो समझ में आ गया सर, ये वाला कैसे समझ में आया सर, अंतर कैसे होगा सर, जरा बताइए। 4 के विपरीत अगर 1 हो तो हमारा 3 आ जाएगा, और 1 हमारा 1 से लेकर 6 के बीच में आता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल ठीक। चल ठीक है, आइए देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, इसमें दे रखा है, यदि सम्मुख सतहों की विषम विषम बिंदुओं का अंतर 6 है,
यदि विषम बिंदु के अंतर 6 है तो चार ऑप्शन आपको दे दिया है, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी, पांच है ऊपर का डॉट, आठ आठ छः, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है, सात नौ ग्यारह चार पाँच, पिछला ऑप्शन ही है, बस एक पहला वाला चेंज कर दिया है, ठीक, इसमें पहला वाला चेंज कर दिया, ठीक है। यदि सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, सम्मुख सतह के विषम बिंदु का अंतर 6 कैसे आएगा ये बताइए मेरे को, 6 कैसे आएगा, इसमें 6 आ सकता है क्या, विषम बिंदुओं के अंतर 6 आ सकता है क्या, विषम बिंदुओं का अंतर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 6 आ सकता है क्या विषम बिंदुओं के अंतर, तो हमने देखा इसमें 6 नहीं आएगा, इसमें तो 4 ही डॉट है, ये हमारा हो गया गलत, विषम बिंदुओं का पूछा है तो विषम तो है नहीं, ये सम्मुख सतह, ये सम है, ये हमारा विषम हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 4 है और अंतर इसका 6 हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है विषम बिंदु क्योंकि 7 जो संख्या है वो भी विषम है और इसके विपरीत अगर 1 होगा, 7 माइनस 1 होगा तभी तो 6 आएगा, तो इसके विपरीत अगर 1 भी होगा तो 1 भी हमारा क्या है, विषम है, 1 भी हमारा क्या है, विषम है, ठीक, ये हमारा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए आइए, ठीक है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपने देखा कि हमारा सक्सेसफुली डाइस का भी चैप्टर खत्म हो चुका है, डायरेक्शन और डिस्टेंस उसके बाद से डाइस का कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद से हम अपना अगले चैप्टर की तरफ रुख मोड़ेंगे, तब तक आप लोग जल्दी जल्दी कोर्स को परचेस करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी है सब्सक्राइब करिए जाके, तो हमारे कोर्स को परचेस करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और क्लासेस के कंपेरिजन में, तो आप अपनी पढ़ाई को बूस्टअप रख सकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।